नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जनमुद्दे में आज हम बात करेंगे हनुमानगढ़ के नोहर की, जहां शहर का जलदाय विभाग नागरिकों को दूषित और काले रंग के पानी की सप्लाई कर रहा है। नोहर की बात करें तो जोगी आसन क्षेत्र में हो रही गंदे पानी की सप्लाई के विरोध में नागरिकों ने यहां जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जलदाय विभाग की डिग्गियों में बेशुमार कचरा और गाद भरी पड़ी है, जिनकी विभाग कभी भी साफ सफाई नहीं करवाता। जलदाय विभाग की डिग्गियों में प्लास्टिक की थैलियां और शराब की बोतलें भी पानी में तैरती हुई साफ देखी जा सकती हैं, जिन पर विभाग के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं। नागरिकों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ जानबूझकर खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। दूषित और काले पानी की सप्लाई के विरुद्ध नागरिकों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर नारेबाजी कर विभाग के भ्रष्ट अभियंताओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले करीब 2 महीने से उनके घरों में बदबूदार पानी वितरित किया जा रहा है। इसकी शिकायत कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने नागरिकों की समस्या का निराकरण करने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। इससे आक्रोशित नागरिकों को विरोध प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। प्रदर्शनकारी जलदाय विभाग की ओर से वितरित किया गया गंदा पानी बोतलों में भरकर साथ लाए थे। इसे देखकर अधिकारी भी कोई जवाब नहीं दे पाए। आखिर मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता ने जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए ज्ञापन लिया। जो नोहर शहर के अंदर गंदे पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है, उसके खिलाफ आज नोहर के तमाम जागरूक नागरिकों ने यहाँ एकत्रित होकर जलदाय विभाग का घेराव किया है और हम सब लोगों ने यहाँ एक्शन साहब यानी उनकी गैर मौजूदगी में AN महोदय को ज्ञापन दिया है और आज उनका घेराव भी किया है। अभी यहाँ तहसीलदार साहब भी शायद आ रहे हैं, उनके साथ बैठकर वार्ता होगी और उचित अगर कार्रवाई की जाती है तो अच्छी बात है। अगर उचित व्यवस्था नहीं होती है, पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं होती है, सुचारू जो नियमित रूप से पानी आना चाहिए वो नहीं आ रही है। जोगियासन के अंदर जो टंकी बनी हुई है, लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से टंकी बन चुकी है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को पीने के पानी की अभी भी माकूल व्यवस्था नहीं हो रही है। उसके खिलाफ भी लोग यहाँ एकत्रित है और जन आक्रोश है। उसके अलावा जो वार्ड नंबर 34 है, उसके अंदर काफी समय से जो छोटी पाइपलाइन डाली गई है, वहाँ घरों में पीने के जो पानी नहीं आ रहा है, उसके खिलाफ भी लोगों का जन आक्रोश है। आज शहर के नागरिकों ने नोहर के जलदाय विभाग का घेराव किया है और हमने यहाँ पर अपना धरना शुरू कर दिया है। अगर प्रशासन जल्द से जल्द इस बात पर गौर नहीं करता है तो हम निश्चित रूप से यहाँ का प्रशासन ठप करेंगे और तालाबंदी करेंगे। नोहर के नागरिकों की ये हालत, आज़ादी के इतने सालों के बाद स्वच्छ पीने पानी के लिए इस प्रकार से उनको आंदोलित होना पड़ा, इसलिए निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की और यहाँ के स्थानीय नेताओं की बिल्कुल नाकामी है। और निश्चित रूप से इस नाकामी की वजह जिस तरह से लोगों से हमने यहाँ पर बात सुनी है और महसूस कर रहे हैं कि राजनीतिक भेदभाव की वजह से कुछ जगहों पर पाइप डायले नहीं जा रही है, कुछ जगहों पर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जोगियासन के अंदर नियमित रूप से पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। एक बड़ा इलाका है, वहाँ पर घरों में पशु भी है, वहाँ पर पीने के पानी की इतनी बड़ी व्यवस्था खराब हो चुकी है कि लोगों को हजार रुपए के पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर अगर इस देश के अंदर सिर्फ पीने के पानी के लिए इस प्रकार लोगों को परेशान होना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। निश्चित रूप से हमें आज ये महसूस हो रहा है कि हम गुलाम भारत में रह रहे हैं, ये कोई आज़ाद भारत नहीं है। आज जो अपने शहर के गणमान्य नागरिक इकट्ठा हुए थे अपनी अपनी शिकायतें लेके, उसमें मेन शिकायत उनकी पाइपलाइन डालने की थी, तो उसके लिए अपने टेंडर हुए हुए हैं यहाँ नॉर्थ सिटी के लिए, कुरेसी के लिए अपने, उसके पाइप के सैंपल भी गए हुए हैं जयपुर। जल्दी जैसे ही रिपोर्ट आएगी, उसकी रिपोर्ट आती टेस्टिंग रिपोर्ट के बाद सिटी के अंदर जहाँ जहाँ स्वीकृत है वहाँ पाइपलाइनें डाल के पेयजल में अपने सुधार करवाएंगे। जहाँ टेल एंड में कभी एरियो में पानी पहुँचता नहीं है, टेल एंड की शिकायत इन लोगों ने जैसे बताई, उन एरियो में पाइपलाइन डाल के अपने सुधार करवाएंगे। PSD का घेराव करने के बाद मैं मौके पर पहुँचा, AN साहब जी थे और उनके द्वारा मांग की गई थी कि गंदा पानी आ रहा है, सप्लाई है वो सही ढंग से नहीं हो रही है, कई तरह की उन्होंने दिक्कतें आ रही है। तो मैंने इनको AN साहब से इस समस्या से अवगत कराया और उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर सारी समस्या का समाधान करूँ।
जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंतर्गत आने वाले नोहर जिले की, जहां पर लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन और अधिकारियों को, स्पेशली जल विभाग के अधिकारियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्वस्थ और साफ पानी की व्यवस्था नहीं की हो पाई है, जिसके चलते लगातार जो नागरिक है वो परेशान नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर अब लोगों ने प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें, ये फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जब ये पानी यहाँ पर जलदाय विभाग द्वारा सप्लाई किया जाएगा और इसको पीने योग्य के लिए उपयोग किया जाएगा तो क्या हालत होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी अधिकारी और कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तमाम नागरिकों ने मदद की गुहार नहीं लगाई, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार क्यों हमारे देश में पानी की समस्या को लेकर इस कदर परेशान होना पड़ता है, क्योंकि अगर साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल के लंबी समस्या ये बन सकती है, क्योंकि डेंगू मलेरिया का प्रकोप लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसे पानी का उपयोग किया जाएगा तो डेंगू मलेरिया तो दूर, पानी पीने से ही स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कोरोना की स्थिति में जिस तरीके से शासन प्रशासन ने सहयोग किया है, तो अब ये नजर आ रहा है कि आखिरकार क्यों ऐसी चीजों को प्रशासन अनदेखा करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ रहवासी बालकिशन व्यास जुड़ गए हैं। बालकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी धन्यवाद मैम। बालकिशन जी, क्या कुछ कहेंगे मामले में? पीने के पानी का जो उपयोग होता है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग अच्छे काम के लिए किया जाता है कि चलिए ठीक है, अच्छा पानी मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई कार्रवाई भी की जा रही है कि तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर कोरोना पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन अगर दूषित पानी की बात करें तो कहाँ तक आप लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी मैडम, जहाँ तक नौर में पेयजल व्यवस्था का सवाल है, यहाँ पेयजल व्यवस्था बहुत ही खराब है, बुरी तरह है। नहर बंदी बीत जाने के इतने दिन बाद भी लोगों को दूषित पेयजल पीना पड़ रहा है। इसका कारण है यहाँ जो जमींदार अधिकारी बैठे हैं, इनकी लापरवाही। जनता ने अनेक आंदोलन किए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके कानों पर आज तक जू नहीं रंगी है जी। पानी की डिग्गियों का हाल यह है कि इसमें खाली शराब की बोतलें, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा पूरी तरह तैरता रहता है, डिग्गियां खाली पड़ी है। इनकी मैनेजमेंट व्यवस्था के नाम पे ये लोग जीरो है जी। अगर ये चाहते हैं तो पानी सप्लाई बिल्कुल साफ और व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इनमें कार्य क्षमता की कमी है अधिकारियों में, और इनकी कार्य क्षमता की कमी का खामियाजा नौर के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है जी। ये जमींदार पद पर बैठे अधिकारी कुछ करने का इनका मन नहीं है, इसलिए लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है जी। पूरे शहर में लीकेज पड़े हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इनको बार बार शिकायत करने के बावजूद लीकेज नहीं निकाले जाते, हवाला देते हैं, पाइपलाइन नहीं है हमारे पास। और कई वार्ड तो ऐसे पड़े हैं जिनमें 2-3 सालों से लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो पाइपलाइन है इनको बदली जाए, जो 30-30, 40-40 साल पुरानी है, लेकिन अधिकारियों के रहते कुछ भी काम है जलदाय विभाग नौर में नहीं हो रहा है जी। बालकिशन जी, क्या कुछ लगता है आखिरकार कहां सरकार के समन्वय में कमी नजर आ रही है आपको? चूंकि लगातार इस तरीके के अगर मामले सामने आएंगे, पीने का पानी एक ऐसी महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन शैली का आधार होता है जिसके चलते उसकी जरूरत तो पड़ती है, लेकिन अगर इसमें भी गंदा पानी और काले पानी का उपयोग किया जाए तो कहां तक कोरोना पर तो लगाम लगाती हुई सरकार नजर आ रही है, तो आखिरकार राजस्थान सरकार में प्रशासन और प्रशासन के विभाग के अधिकारी ऐसी लापरवाही करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पानी का जो उपयोग है वो गंदा करना पड़ रहा है? मैडम, इनमें कार्य क्षमता की बिल्कुल कमी है, ये काम नहीं करना चाहते। यहाँ बैठे है पदों पे एक AN है, उनका भादरा से लगाव ज्यादा है, बार बार न्यूज पेपरों में भी ये खबर छपती है ना। ये पानी के भंडारण को चेक करते हैं, वहाँ से पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, पानी कैसा आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल। लोग विजिट करते हैं पानी की डिग्गियों की, लेकिन मन मार कर वापस आ जाते हैं, इनको शिकायत भी करते हैं। सरकार और स्थानीय विधायक है ये प्रयास करते हैं, बावजूद इसके इन अधिकारियों के कारण नौर में पानी की व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल आज रोगियों से भरे पड़े हैं, पेट के रोगी है बिल्कुल। इनसे बालकिशन जी, क्या कुछ लगता है इस प्रदर्शन के बाद
क्या उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की आंखें खुलेंगी जिसके चलते इस मामले पर वो मौन साधे बैठे हैं? नहीं मैडम, जब तक ये अधिकारी इन पदों पे बैठे हैं, नोर में इन व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता, इनका तबादला किया जाए। मेरी सरकार से मांग है कि इन अधिकारियों को यहाँ से भेजा जाए, इसके बाद ही इनकी पेयजल व्यवस्था में सुधार आ सकता है। जी रामकिशन जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए और तमाम जो भी परेशानियां आपको हो रही हैं उससे आपको और आपके पूरे रहवासियों को निजात मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, एमकेएन के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंतर्गत आने वाले नोहर क्षेत्र की, जहां पर शहर का जलदाय विभाग नागरिकों को दूषित और काले रंग के पानी की सप्लाई कर रहा है। नोहर के जोगी आसन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां पर नागरिकों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि पीने के पानी का जो टेस्ट है वो किया जाए, जिसके आधार पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाए। इस तरीके से अगर पानी का उपयोग किया जाएगा तो आखिरकार कैसे यहां पर तमाम जो नागरिक हैं वो परेशान नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ तो हमारे देश में जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया, दूसरी लहर में तमाम लोग परेशान नजर आए, तो अब एक बार फिर डेंगू ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो गंदगी का आलम इस कदर है कि अभी तो राजस्थान फिलहाल डेंगू की समस्या से अछूता ही है, लेकिन अगर इस तरीके से गंदगी का ढेर और जमाव यहां पर देखने को मिलेगा तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान में भी डेंगू कहर बरपा सकता है। और अगर ऐसे पानी का उपयोग पीने में किया जाए तो क्या ही कहना, क्योंकि अगर ऐसे पानी का उपयोग किया जाएगा तो तमाम जो जनता है उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी नेता बसंत तिवारी जी जुड़ गए हैं। बसंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। बसंत जी क्या कुछ कहेंगे, लगातार जिस तरीके से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, पीने का दूषित पानी का उपयोग करना पड़ रहा है और लगातार यहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, उम्मीद की जाती है कि आगे चल के ये जो पानी है उसकी सप्लाई नहीं की जाएगी। बसंत जी क्या कहेंगे मुद्दे में? हमारे यहाँ नोर में पानी सप्लाई सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल खराब पानी सप्लाई कर रहे हैं। पीछे हमने आंदोलन किया था नहरबंदी के टाइम में, जब नहरबंदी की थी ना तो भी पानी सही नहीं आ रहा था, अभी तक पानी में सुधार नहीं हुआ है। जी बस पानी वैसा ही पानी सप्लाई हो रहा है, नोहर की जनता बड़ी परेशान है, पानी बेकार है, पानी मतमेला पानी सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ जी ठीक है बसंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंतर्गत आने वाले नोहर क्षेत्र की, जहां पर लगातार दूषित पानी की सप्लाई से रहवासी परेशान हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार क्यों जनता को तमाम उन सुविधाओं से अछूता रखा जाता है जिसकी वो हकदार होती है, और वो भी ऐसे मौके पर जब सबसे ज्यादा जनता को जरूरत प्रशासन की हो, कोरोना काल हो, डेंगू का प्रकोप हो, तो इस बीच अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। नागरिक, तमाम ऐसे नागरिक जिसके चलते वो परेशान नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बात और आश्वासन तो कई अधिकारी करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है और समस्या का समाधान भी नहीं हो पाता है। आखिरकार यहाँ पर तमाम नागरिकों की सुविधाओं के अभाव में रहते हुए तमाम जनप्रतिनिधि क्यों अपने काम से पल्ला झाड़ लेते हैं, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर नजर आता है। अगर यहाँ पर प्रशासन द्वारा तमाम जलदाय विभाग के अधिकारियों को पैसे दिए जाते हैं इस पानी की सफाई के लिए, तो आखिरकार उस पैसों का गबन कहाँ किया जाता है, इस बात का साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है इस पानी को देखकर, क्योंकि नाले से भी गया गुजरा ये पानी है। क्योंकि अगर यहाँ पर
इस तरीके से पानी की सप्लाई की जाती है तो तमाम जो लोग हैं वो भी परेशान नजर आते हैं। पानी की सप्लाई के चलते लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिरकार क्यों पीने के पानी के उपयोग जो है वो इस कदर किया जा रहा है कि प्रशासन ध्यान नहीं देता नजर आ रहा है। बता दें कि 20 से 30 साल का समय बीत चुका है और आखिरकार 30 साल बाद जब इस तरीके से मामले सामने आते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये कि आखिरकार क्यों गंदे पानी का उपयोग यहाँ पर फिलहाल नागरिकों को क्या करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आश्वासन नहीं दिया गया, 2 महीने का समय बीत चुका है, 2 महीने की कार्रवाई के बावजूद भी आगे चल के कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ आपका जो भी मामला है उसका निपटारा किया जाएगा, और मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता भी कुछ इस तरह से कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए ज्ञापन भी उनसे लिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी, 2 महीने का समय बीत जाने के बाद आखिरकार क्यों यहाँ पर तमाम जनता और अभी अभिभावकों को यहाँ पर गंदे पानी का उपयोग करना पड़ता है। हमारे साथ संवाददाता राजरतन पारिक जुड़ गए हैं। राजरतन बताइए, यहाँ पर जब आप पहुंचे आपको क्या कुछ नजारा देखने को मिला, और दूसरी बात तो ये कि यहाँ पर इस तरीके से अगर गंदे पानी का उपयोग तमाम जनप्रतिनिधि द्वारा करवाया जा रहा है उपयोग इसका, तो क्या लगता है कि आखिरकार समन्वय की कमी कहाँ नजर आ रही है? क्योंकि इस तरीके से अगर गंदा पानी पियेंगे तो कोरोना और डेंगू से तो दूर, यहाँ पर वैसे ही इंसान बीमार हो जाएगा। जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ काफी लंबे समय से गंदे पेयजल की समस्या बनी हुई है। नोहर के नागरिक बार बार आंदोलन करते हैं और यहाँ बार बार तालाबंदी करते हैं, फिर भी इनके अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। यहाँ की डिग्गियों पर जब जाकर हम देखते हैं तो वहाँ शराब की बोतलें, पॉलीथिन, बेशुमार गंदगियाँ पानी में तैरती रहती है। ना ही तो ये लोग इतना जहन्नत उठा पाते हैं कि इनकी शराब की बोतलों को, पॉलीथिन को, गंदगी को बाहर निकाला जाए। लोग काफी परेशान है, जलजनित बीमारियों से बीमार हो रहे हैं, इनके कानों तक यूं नहीं रेंगती है। जी जी राजरतन, ये बताइए आपकी किसी अधिकारी से बात हुई इस मामले में? जी मेरी इसमें यहाँ के एक्शन है ताराचंद जी पिलानिया, उनसे बात हुई थी, मैंने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि हमने सफाई करवा दी है, जबकि आज मैंने सुबह ही जाके देखा था डिग्गी में कोई सफाई नहीं होती, मात्र कागजों में कर लेते हैं और एक्चुअल में धरातल पर कोई सफाई नहीं करते हैं। डिग्गी मैंने जाके आज देखा तो ऐसी कैसी वस्तु स्थिति वहाँ बनी हुई थी, पॉलीथिन की थैलियाँ और शराब की बोतल में पानी में वहाँ तैर रही थी। जी राजरतन, ये बताइए कि वहाँ के जो रहवासी हैं वो क्या मांग कर रहे हैं कि आखिरकार, देखिए कार्रवाई तो होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि आखिरकार आगे चल के इस तरीके से जब प्रदर्शन किया गया तो क्या अधिकारी कोई कार्रवाई करेंगे मामले में? क्या साफ पानी यहाँ के रहवासियों को मिल पाएगा? ये आगे लोगों की मांग है कि हमें अच्छा और स्वच्छ शुद्ध पानी दिया जाए। काफी बड़ा बजट गवर्नमेंट से आता है, बजट लगा लिया जाता है, मात्र कागजों में खाना पूर्ति कर ली जाती है, बड़े बड़े उच्च जिला से बना दिए जाते हैं, पेयजल पाइप नहीं जोड़ी जाती। यहाँ के जोगियासन मोहल्ला है वहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा है। लोगों की मांग है कि इतना बड़ा बजट अगर सरकार दे रही है तो सही समुचित तरीके से इनका उपयोग क्यों नहीं किया जाए, समुचित तरीके करके हर घर में स्वच्छ जल मुहैया करवाया जाए। पर अधिकारी यहाँ कार्यालय में बैठते नहीं है, कभी कोई अधिकारी आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी आते नहीं है, कभी कभार इनका ऐसे रूल बना रहता है। जी रामरतन, जब ज्ञापन सौंपा गया यहाँ के रहवासियों द्वारा अधिकारियों को, क्या कुछ वहाँ से मामला सामने आया, क्या कुछ बयान सामने आया ज्ञापन को लेकर? जी उन्होंने एक ही बात कही है कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, 15 दिन में आपकी समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, डिग्गियों में साफ पानी आएगा, सारे पॉलिथीन वगैरह निकाल दी जाएगी, सब कुछ जितने भी लीकेज हैं निकाल दिए जाएंगे। पर एक ही रट्टा रट्टा ही जवाब होता है, जब कोई आंदोलन करते हैं नागरिक यहाँ आते हैं इनके पास समस्या लेकर के ज्ञापन देते हैं तो इनका एक ही रट्टा रट्टा ही जवाब होता है कि 2 दिनों में समस्या का समाधान हो जाएगा, 5 दिनों में हो जाएगा, पर धरातल पर कुछ नहीं होता है। जी जी राजरतन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी कि यहाँ पर समस्याएं तो अनेक हैं लेकिन समाधान नहीं है। आखिरकार क्यों यहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रहवासी है उनका तो सिर्फ यही कहना है कि आखिरकार यहाँ पर जब लाख दावे किए जाते हैं विकास के और मूलभूत सुविधाओं के, तो आखिरकार जमीनी हकीकत कुछ और बयां क्यों कर रही है।
इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके से अगर मामले सामने आएंगे तो जनता का विश्वास जो है वो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों पर उठता हुआ जरूर नजर आएगा। आपको बता दें कि रहवासियों का कहना है कि नौर शहर के अंदर गंदे पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है, उसके खिलाफ आज नौर के तमाम जागरूक नागरिकों ने यहाँ एकत्रित होकर जलदाय विभाग का घेराव किया है और हम सब लोगों ने यहाँ एक्शन साहब है नहीं उनकी गैर मौजूदगी में AN महोदय को ज्ञापन दिया है और आज उनका घेराव भी किया है। अभी यहाँ तहसीलदार साहब भी शायद आ रहे हैं, उनके साथ बैठकर वार्ता होगी और उचित अगर कार्रवाई की जाती है तो अच्छी बात है, अगर उचित व्यवस्था नहीं होती है, पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं होती है, सुचारू जो नियमित रूप से पानी आना चाहिए वो नहीं आ रही है, जोगियासन के अंदर जो टंकी बनी हुई है लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से टंकी बन चुकी है लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को पीने के पानी की अभी भी माकूल व्यवस्था नहीं हो रही है, उसके खिलाफ भी लोग यहां एकत्रित है और जन आक्रोश है। उसके अलावा जो वार्ड नंबर 34 है उसके अंदर काफी समय से जो छोटी पाइपलाइन डाली गई है वहां घरों में पीने के जो पानी नहीं आ रहा है उसके खिलाफ भी लोगों का जन आक्रोश है। आज शहर के नागरिकों ने नोर के जलदाय वाक का घेराव किया है और हमने यहाँ पर अपना धरना शुरू कर दिया है। अगर प्रशासन जल्द से जल्द इस बात पर गौर नहीं करता है तो हम निश्चित रूप से यहाँ का प्रशासन ठप करेंगे और तालाबंदी करेंगे। नोर के नागरिकों की ये हालत आज़ादी के इतने सालों के बाद स्वच्छ पीने पानी के लिए इस प्रकार से उनको आंदोलित होना पड़ा, इसलिए निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की और यहाँ के स्थानीय नेताओं की बिल्कुल नाकामी है और निश्चित रूप से इस नाकामी की वजह जिस तरह से लोगों से हमने यहाँ पर बात सुनी है और महसूस कर रहे हैं कि राजनीतिक भेदभाव की वजह से कुछ जगहों पर पाइप डायलें नहीं जा रही है, कुछ जगहों पर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जोगियासन के अंदर नियमित रूप से पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, एक बड़ा इलाका है वहाँ पर घरों में पशु भी है, वहाँ पर पीने के पानी की इतनी बड़ी व्यवस्था खराब हो चुकी है कि लोगों को हजार रुपए के पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर अगर इस देश के अंदर सिर्फ पीने के पानी के लिए इस प्रकार लोगों को परेशान होना पड़े तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। निश्चित रूप से हमें आज ये महसूस हो रहा है कि हम गुलाम भारत में रह रहे हैं, ये कोई आज़ाद भारत नहीं है। आज जो अपने शहर के गणमान्य नागरिक इकट्ठा हुए थे अपनी अपनी शिकायतें लेके, उसमें मेन शिकायत उनकी पाइपलाइन डालने की थी तो उसके लिए अपने टेंडर हुए हुए हैं यहाँ नॉर्थ सिटी के लिए, कुरेसी के लिए अपने, उसके पाइप के सैंपल भी गए हुए हैं जयपुर, जल्दी जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसकी, रिपोर्ट आती टेस्टिंग रिपोर्ट के बाद सिटी के अंदर जहाँ जहाँ स्वीकरते हैं वहाँ पाइपलाइनें डाल के पेयजल में अपने सुधार करवाएंगे। जहाँ टेल एंड में कभी एरियो में पानी पहुँचता नहीं है, टेल एंड की शिकायत इन लोगों ने से बताई, उन एरियों में पाइपलाइन डाल के अपने सुधार करवाएंगे। PSD का घेराव करने के बाद मैं मौके पर पहुँचा, AN साहब रेणुराज जी थे और उनके द्वारा मांग की गई थी कि गंदा पानी आ रहा है, सप्लाई है वो सही ढंग से नहीं हो रही है, कई तरह की उन्होंने दिक्कतें आ रही है, तो मैंने इनको AN साहब से इस समस्या के अवगत कराया और उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर सारी समस्या का समाधान करूँ। जनमुद्दे में आज हमने बात की राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंतर्गत आने वाले नोहर क्षेत्र की, जहां पर पीने की पानी की बहुत समस्या है। ऐसा नहीं है कि पीने का पानी वहां पर नहीं है, लेकिन गंदगी वाला पानी पीने के चलते वहां पर लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन भी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञापन के आधार पर तमाम जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं वो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिलहाल के लिए हमारे साथ के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए MKN के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।